अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब हम अपनी टेक्निकल रिपोर्ट्स लिख रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल कहाँ से फाइंड आउट करें, डेटा कहाँ से लें। मतलब कि जब हम लोग कोई भी टेक्निकल रिपोर्ट लिख रहे होते हैं या कोई एकेडमिक रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल की, कॉन्टेंट की। तो वो कॉन्टेंट हम कहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, कहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में कुछ रिपॉजिटरीज और कुछ साइट्स मैं आप लोग को बताने वाली हूँ जिनको यूज़ करके आप अपने रिपोर्ट्स के लिए रिसर्च कर सकते हो और वहाँ से मटेरियल ले सकते हो। सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, मतलब आप लोग डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हो कौन से जो कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जिसके लिए आप डिफरेंट साइट्स यूज़ कर सकते हो, लाइक यू कैन यूज़ गूगल, बिंग, याहू। ये हमारे पास सर्च इंजन्स हैं, इनको यूज़ करते हुए आप अपने टॉपिक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गूगल के ऊपर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप लोग जाकर अपने टॉपिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। डिफरेंट जर्नल्स आप लोग अगर गूगल पे जाकर सर्च करो, यहाँ पर हम लोग कुछ जर्नल्स की एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे जर्नल्स अवेलेबल हैं, आ चुके आप गूगल करो, आप जो भी आपका टेक्निकल रिपोर्ट आपने लिखनी है उससे रिलेटेड उसका टाइटल लिखो और आगे जर्नल्स लिख दो, तो आपको काफ़ी सारे जर्नल्स की लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। एक हमारे पास साइट है cytopia.org, ठीक है, cyrus.com। ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा pageflag.com जाकर RSS रीडर्स, न्यूज़ ग्रुप्स में से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, अपने टेक्निकल रिपोर्ट्स के लिए मटेरियल ले सकते हो। फाइल शेयरिंग के लिए हमारे पास ये वेबसाइट है। इसके अलावा आप लोग सोशल साइट पर जा सकते हो जिसमें हमारे पास FB हो गया और डिफरेंट इंस्टाग्राम वगैरह, वहाँ पर सोशल साइट से भी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यूट्यूब पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो की फॉर्मेट में मिल जाती है। इसके अलावा आप लोग जो है वो रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफीज में से जो है वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हो अपने टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ पर साइट अवेलेबल है साइट का नाम। इसके अलावा आप लोग ई बुक्स में से अपने टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल सर्च आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आप लोग को कुछ रिपॉजिटरीज बताई हैं, कुछ वेज बताए हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी टेक्निकल रिपोर्ट के लिए मटेरियल सर्च आउट कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो शुड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल फ़ाइज़ा वसीम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।